जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की इस श्रृंखला में। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह से टाइम वेस्ट किए आज की अपनी एक क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, ये जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है? जीवनधारा योजना जो है दोस्तों, सिंचाई कौन से संबंधित है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है? तो ये जो है गुजरात और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिसलपुर परियोजना का संबंध जो है दोस्तों, आप जानते हो, बनास नदी से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। अब इसमें राजस्थान का प्रतिशत पूछा तो यह है दोस्तों 45%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? तो नर्मदा परियोजना से जो है दोस्तों, जालौर और बाड़मेर को पानी प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है, एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ जो है सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले हैं। तो देखिए, सिद्धमुख परियोजना जो है दोस्तों, हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है। उसके बाद आती है आपकी नर्मदा परियोजना, नर्मदा जालौर और बाड़मेर से है। जवाई परियोजना जालौर, पाली और जोधपुर से, और जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सिंचाई परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित जिलों के कौन सा युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, जवाहर सागर बांध उदयपुर, ये गलत हो गया साथियों, क्योंकि कोटा में है ये। बाकी जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, जवाई परियोजना पाली और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, नर्मदा नहर जो परियोजना है उसमें केवल आप फुहारा के द्वारा ही जो है सिंचाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है? अब इनमें से ऐसा जिला जो जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होगा तो वो हो जाएगा अपना बाड़मेर। बाकी सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जो है लाभान्वित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, ये जो प्रवेश बिंदु है ये है हनुमानगढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सूची को मिलाना है, एक तरफ लिफ्ट नहरें दी गई है और दूसरी तरफ जो है उनके लाभान्वित जिले। तो देखिए, जय नारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर में है ये। फिर चौधरी कुंभाराम, ये हनुमानगढ़ और चूरू में है। फिर पन्नालाल बारूपाल, अगर पन्नालाल बारूपाल की बात करें दोस्तों, तो ये बीकानेर और नागौर हो जाएगा, और डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? तो देखिए, भीमसागर परियोजना झालावाड़ सही है, परवन लिफ्ट परियोजना बारा सही है, सावन भादो परियोजना कोटा सही है, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी, ये गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, अपना बाड़मेर का गडरा रोड जो है ये इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम है? तो ये जो पद्धति है इसका नाम खड़ीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर जो है सतलज नदी से निकाली गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर नेक्स्ट, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और टोंक जिलों की सिंचाई एवं पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है? तो ये बिसलपुर हो गई अपनी टोंक वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान एवं गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। फिर नेक्स्ट, मेजा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है दोस्तों कोठारी नदी पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है? अब इनमें से असंगत है उसको बताना है। तो देखिए, सीताबाड़ी झालावाड़ दे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो है दोस्तों बारह में है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। बाकी स्वरूप सागर जोधपुर में है, परवन परियोजना बारह और आलुंदा का उबानिया कुंड दौसा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है असंगत बताना है। तो देखिए दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में है, सही है, भीमसागर झालावाड़ में, टोरडी सागर टोंक में, पन्ना मीणा की बावड़ी दौसा में दे रखा है इन्होंने, जो कि गलत है। बाकी यह दौसा में नहीं होके जयपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा का लाइफ लाइन है मेजा बांध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर है।
फिर नेक्स्ट माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है, बात की जाए माधव सागर की तो ये दौसा जिले में आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो दोस्तों मंदसौर जिले में है जो कि MP में पड़ जाता है, तो ये राजस्थान में नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साकड़ा बांध किस जिले में स्थित है, बात की जाए साकड़ा बांध की तो ये अलवर जिले में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है, नारायण सागर बांध जो है अपने राजस्थान का हृदय जो है अपना अजमेर उसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बांध और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले कानोता बांध की बात की जाए तो ये जयपुर में पड़ता है, बंद बरेठा बांध भरतपुर में पड़ता है, इसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर, और कालीखो बांध जो है दौसा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित करना है, एक तरफ बांध और दूसरी तरफ जिला। तो देखिए साथियों सबसे पहले गागरीन झालावाड़ की है, गागरीन जो है झालावाड़, फिर आ जाएगा आपके गरदड़ा, ये बूंदी की परियोजना है, फिर मोरा सागर सवाई माधोपुर और टोकरा बांध सिरोही में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध और जिले दे रखे हैं, तो देखिए इसमें भी वही होगा कि जयपुर में रायगढ़ बांध है, हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में है, पाली में हेमावास बांध है, और डूंगरपुर में उदयबाड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, तो जवाई बांध जो है दोस्तों आप जानते हो ये आपके पाली में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो माही बजाज सागर बांध इसका नाम है और माही नदी पर ही जो है स्थित है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, मतलब एशिया का सबसे ऊंचा बांध जो चिनाई का है वो है जाखम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता अपना नया टॉपिक राजस्थान के परिवहन, तो देखिए इसमें दो सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है सुमेलित करना है। तो देखते हैं सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा की शुरुआत 1952 में हुई थी, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर अटल बिहारी जी के जन्मदिवस के ऊपर 2000 में स्टार्ट हुई थी। फिर नीचे राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का उद्घाटन, ये 14 दिसंबर 2012 को हुआ था, और महिला गौरव एक्सप्रेस जो है 25 मई 2016 को शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, RSRTC की स्थापना कब की गई, इसकी जो है स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, अब यहाँ देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक तरफ उनका स्थान दे रखा, तो जानते हो जयपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में है, महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर में है, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में है, और रतनाड़ा जोधपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया, इसका प्रारंभ जो है दोस्तों 3 जून 2015 को किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पहली हमसफर ट्रेन प्रारंभ की गई, तो ये 2 जून 2018 को चली थी अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना, तो राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना है दोस्तों 8 फरवरी 1979 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के उद्योगों से संबंधित प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो बनेड़ा ब्यावर और टोंक ये जो है बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फिर नेक्स्ट, सुमेलित करना है, एक तरफ औद्योगिक बस्तियां और दूसरी तरफ नगर या स्थान के नाम, तो देखिए सांबरसार लिमिटेड जयपुर में है, कोई दोहराई वाली बात ही नहीं। राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जयपुर में है, समकोर ग्लास इंडस्ट्रीज ये कोटा में है, और दी हाई टेक्निकल ये जो है धौलपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है, मतलब लघु उपक्रम जो होता है उसके लिए निवेश की सीमा क्या है, तो ये 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है, ये भीलवाड़ा में स्थित है। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है, महिंद्रा कंपनी ने अपना नया सेज स्थापित किया है जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही नहीं है, अब इनमें से एक जो है सही नहीं वो बताना। देखिए रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, ये नहीं है, ये लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना गलत, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न और कई बार रिपीट हुआ है, लाखेरी बूंदी में जो है पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, तो राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग आप जानते हो ब्यावर में 1989 में स्थापित किया गया। तो ये थे दोस्तों अपनी आज की क्लास और आज की सीरीज 10 मिनट 50 प्रश्न के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।